हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं बैक नेक डिज़ाइन। तो बनारसी, देखिए बनारसी ब्लाउज है, इसमें हम आपको बैक नेक डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये देखिए, ये हमने ब्लाउज का बैक पार्ट रखा हुआ है और ये हमारा अस्तल का बैक पार्ट है। तो इस पर हम गले की डिज़ाइन कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने गले को रख लिया है और देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंची पर निशान लगाना है। यहाँ पे हमने 2.5 इंची पर निशान लगा लिया है। उसके बाद जितनी आपको लेंथ लेनी है इसकी उतनी आप ले सकते हैं। तो मैं इसकी जो लेंथ लेने वाली हूँ 9.5 इंच पर रखने वाली हूँ। 9.5 इंच पर मैंने इस तरह मार्क कर लिया है। तो ये मैंने 9.5 इंच पर मार्क कर लिया है और यहाँ पर 2.5 इंची पर मार्क करते हुए इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो इस लाइन को हम इस तरह सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमें इसमें डिज़ाइन की शेप देनी है, जो भी हमें डिज़ाइन की शेप देनी है। तो हम इसमें डिज़ाइन की शेप देंगे। देखिए एक तो हम मार्क करेंगे यहाँ पे, ये देखिए इस तरह 4 इंची पे मार्क कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ तक अब हम इसमें एक शेप देंगे इस तरह गुलाई वाली, इस तरीके से। तो ये हमने एक गुलाई वाली शेप दे दी है यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको इस तरह सीधा रखेंगे, ये पॉइंट हमारा सीधा रहेगा यहाँ से। तो यहाँ से अब हम इसको हल्का सा, ये देखिए इस तरह डाउन करते हुए, तो इस तरह हमें इसकी शेप देनी है। ये देखिए, तो अभी ये नॉर्मल सा लग रहा है। अब हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तब आपको पता चलेगा ये कैसी डिजाइन निकल के तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह इसकी कटिंग वो निशान लगा लिया है। अब यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से घुमाते हुए इस तरह इसमें 5 शेप दे देंगे। ये देखिए, तो यहाँ से भी हम इसको इसी तरह 5 शेप में लेंगे, हल्का सा दबाते हुए। ये देखिए इस तरह। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो पहले हमें इसकी कटिंग करनी है, देखिए यहाँ से। इस तरीके से अब इसकी हम नीचे से कटिंग करके लाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो इसकी जो शेप है कुछ इस प्रकार आएगी, ये देखिए। तो अब हम इसमें पहले मेन फैब्रिक रखेंगे हम ब्लाउज का, ये वाला। तो इसको हम बिना बुकरम के बनाने वाले हैं। तो ये कि इस तरीके से हमने इसको मेन फैब्रिक रख लिया है, उसके ऊपर हम इस अस्तल को रख लेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसको हमें अच्छी तरह फैला के बिछा लेना है इस तरीके से। अब बिछाने के बाद पहले हम देखिए इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करते हुए अब हम इस पर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे इस साइड से। तो आपको इसमें जो सिलाई लगानी है वो धीरे धीरे लगानी है, एक साथ पूरी नहीं लगानी है।
ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे अंदर से। अब इस तरह हमने गले को बना लिया है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। ये देखिए इस तरह हमने इसको बना लिया है। अब इसके बाद हम इसको पलटेंगे। पलटने से पहले हम ये वाली जो साइड है नीचे से, इसको भी हम स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने इनको स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसमें तनी डालेंगे। ये हमने कपड़ा ले लिया है तो इसकी हम तनी बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके के पॉइंट तैयार कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको हल्का सा कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम तनियों को यहाँ पे अटैच करेंगे। अब इस वाली से नाप के इसको भी हम कट कर लेंगे। इस साइड पे भी हम इसी तरह तनी अटैच कर देंगे। अब इसको हमें पलट के सीधा करना है। तो सीधा हम कैसे करेंगे, देखिए इस तरह इसमें हाथ गुथाएंगे और इसको यहाँ से निकालते हुए सीधा करेंगे।
अब इस पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इसको यहाँ से नीचे से भी स्टिच कर लेंगे। अब इनको ऐसे क्रॉस करके एक दूसरे से अब इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने ये क्रॉस करके डाल दिए हैं। अब इसमें हम कुंडी लगा देंगे डोरी में। तो ये इस तरीके की पट्टी काट ली है हमने। अब इसको हम एक बार इस तरफ फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरफ फोल्ड करेंगे और ऐसे स्टिच करेंगे। तो ये हम बना रहे हैं फ्लावर लगाने के लिए। तो इस तरह हमें इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये इस तरीके के हमने ये तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो सारी हम ऐसे खोल लेंगे इनको इस तरीके से और स्टिच करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो इन सबको हमें ऐसे स्टिच कर देना है इस तरीके से। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है राउंड शेप में। अब इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और राउंड राउंड घुमाते हुए स्टिच कर देंगे। इस तरीके से। तो ये देखिए हमने इस तरीके से ये एक फ्लावर बना लिया है। अब इसमें हम बीच में और एक फ्लावर लगाएंगे।
सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ले लिए है हमने तनी, इसमें हमने कुंडी लगा लिए हैं, इसको हम इसके बीच में यहाँ अटैच कर देंगे। तो इसको हमने यहाँ अटैच कर दिया है। और उसके बाद ये लेंगे हम धागा, और ये हमने 3 पीस कट करके रखे हैं। अब इसको हम इस तरीके से स्टिच करेंगे, ये देखिए सुई धागे की सहायता से। इस तरीके से अब ये दूसरा वाला पीस लेंगे और इसको देखिए इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। अब ये लास्ट वाला पीस लेंगे, इसको भी इसके ऊपर इसी तरह रखते हुए स्टिच करेंगे। देखिए और फिर इसको है ना इस वाले से इस तरह मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक सुई धागे की सहायता से टक कर लेंगे इसी तरह। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर देंगे, बाकी इसको देखिए इस तरह धागा खींचेंगे और ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो इसको हम इसके बीच में लगा देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमने एक ये फ्लावर और लगा दिया है और स्टिच कर लिया है। अगर आप ऐसे फ्लावर्स की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इस सारे फ्लावर्स की हमने वीडियो डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया है स्टिच। अब इसको हम देखिए यहाँ पर बीच सेंटर पर लगा देंगे इस तरीके से, तो इससे थोड़ा हमारा ये लुक जो है इसका अच्छा आएगा। तो इसको हम यहाँ पे टक कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको टक कर लेंगे। ये देखिए, अब इसकी जो तनी है इसमें भी हम कुंदे लगा देंगे। उसके लिए देखिए हमने ये फैब्रिक लिया है, इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे रखेंगे, और एक फोल्ड हम इस तरफ से करेंगे और एक फोल्ड हम इस तरफ से करेंगे, और उसके बाद हमें तीसरा फोल्ड इस तरफ करना है और इसको स्टिच कर लेना है। तो ये इस तरह स्टिच करने के बाद अब हम इसको पलटेंगे तो इसका फाइनल जो लुक है वो इस प्रकार आएगा। ये देखिए, तो ये हमारा इस प्रकार लटकन बनके तैयार हो चुका है। तो इसका पूरा फाइनल लुक इस प्रकार है। ये देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा बैक नेक डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा।